कवि बच्चों को पढ़ाती थी द्रौपदी मुर्मू, जाने कैसे बनी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब देश को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की महिला उम्मीदवार का नाम द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अगर भाजपा की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती है तो वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी। बता दें कि इसके पहले प्रतिभा पाटिल को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। एक बार फिर महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के एक कदम दूर है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू के जीवन और राजनीतिक करियर के बारे में जानिए। द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता है और झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। द्रौपदी ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रमा देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडीसी से भाजपा के साथ की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में 2000 से 2002 कर वाणिज्य और परिवहन सौंदर्य प्रभार मंत्री रही। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशुपालन संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी।